गाइस, मुझे ना बहुत सारे कमेंट आ रहे थे जो मेरी वो वाली मेकअप कलेक्शन वाली वीडियो थी उस पे, कि जो आपका फाउंडेशन है ना, आप उसको ये चेक करो कि वो ठीक है या नहीं ठीक है। अब ये कैसे ठीक है, इसको बुखार वगैरह ऐसा कुछ है तो नहीं, वो हमें चेक करना है। वो कैसे चेक होगा? ये होता है कि अगर आपके फेस पे कोई डार्क मार्क है, डार्क सर्कल है, बहुत सारी चीजें हैं, तो अगर आप अपना ऐसी एक नॉर्मल फाउंडेशन अप्लाई करते हो तो वो डार्क सर्कल या वो डार्क मार्क छुपाता नहीं है, मतलब वो हाइड नहीं कर पाता, वो दिखने लगते हैं। तो इसका एक बहुत ज्यादा तकड़ा हैक चल रहा है, तो वो हैक हम ट्राई करेंगे कि वो वर्क करता है या नहीं करता है, ठीक है। चलो, सबसे पहले हमें एक मोमबत्ती लेनी है। इस मोमबत्ती में आग लगानी है हमें। सबसे पहले तो माचिस लेंगे, माचिस से इसे जलाएंगे। उसके बाद थोड़ा अलग से बुझाना वरना मोमबत्ती भी बुझ जाएगी, फिर इसको उठा के फेंक दो। उसके बाद हमें क्या करना है, ये चम्मच लेनी है। इस चम्मच में हम डालेंगे फाउंडेशन। बुझना नहीं है आपको, बुझना नहीं है, मेरी फूंक से ना बुझ जाए, ठीक है। ये हमने लिया, क्या हो गया? ये ले लिया हमने डिचुक डिचुक करके। यार निकल जाए यार, कैसा सा पत्थर है। ये आ गया हमारा फाउंडेशन। अब इस फाउंडेशन को ना हम इस मोमबत्ती की लो से गर्म करेंगे, चम्मच जल जाएगी। फाउंडेशन के मेल्ट होने का वेट करेंगे कि मेल्ट हो जाए। वैसे तो ऑलरेडी मेल्ट ही रहे, क्या मेल्ट होगा? देखिए इसमें कुछ हो रहा है। हाँ, कुछ हो रहा है इसमें, ये मेल्ट हो रहा है, इसमें कुछ हो रहा है और ये तो खोल रहा है। तो भाई मैं इसको हाथ से कर दूं कैसे? मैं इसको हाथ से फैला देती हूँ। हाँ, फाउंडेशन खोल रहा है। चम्मच जल गई। अभी ये काफी ज्यादा गर्म हो गया, तो अब हम अपना हैक ट्राई करेंगे। बहुत ज्यादा गर्म हो गया है, कुछ ज्यादा। मेरी तो चम्मच भी फूक के राख हो गई है पीछे से। इस वाले को हम इधर लगा लेते हैं, ठीक है, वेस्ट नहीं करना चाहिए, अपने मुंह पे लगा लो। गाइस, सबसे पहले मोमबत्ती बंद करें, क्योंकि मेरे जैसा इंसान होगा तो वो अपना हाथ पैर जला लेगा। हमने ये कर दी मोमबत्ती बंद, वो आधा आपका हिस्सा मोमबत्ती जी यहीं रह गया, ले लो। तो उसके बाद क्या करना है, अपने मुंह पे, अब हमारे मुंह पे है तो बहुत सारे दाग लेकिन वो ऐसे नहीं दिखेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने मुंह पे एक अलग से दाग बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं कर लेती हूँ क्रॉस। देखो, मैंने इतना बड़ा क्रॉस करा ताकि आपको अच्छे से दिखे। अपने माथे पे करना चाह रही थी पर मैंने यहाँ कर लिया। उसके बाद पता क्या करना है, आपको अपने स्पंज लेना है, उसको चम्मच में जो फाउंडेशन था आपका गर्म वाला उसे लेना है, देन आपको अपने मार्क पे अप्लाई करना है कि ये मार्क इससे हाइड होगा नहीं होगा, हमें एग्जैक्टली देखना ही है। समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, ये देख रहे हैं हमको। चलो हम अप्लाई करते हैं, इससे हमारा मार्क छुपता है या नहीं छुपता, मैं कहाँ देखूंगी, शीशा तो मैंने लिया ही नहीं। आप ही बता देना यार, छुपा या नहीं छुपा, क्योंकि मेरे को तो दिख रहा है। जितना भी चम्मच में ये सारा ले लो, मैंने तो सारा ले लिया। देन इसको ब्लेंड करना है, बिल्कुल वैसे ही अप्लाई करना है जैसे करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं वो आप लोगों को पता होगा। दिख रहा है ये मार्क? आई थिंक ये ब्लेंड हो चुका है, मतलब जितना हिस्से में ब्लेंड करना था उतने हिस्से में हम ब्लेंड कर चुके हैं। ऐसे ही ब्लेंड होता है, मैं को पूरे मुंह पे, तो मैंने कांटा नहीं लगा लिया है कि पूरे मुंह पे ब्लेंड करूं, तो ये यहाँ पे हम ब्लेंड कर चुके हैं थोड़ा बहुत। जितना भी पूछ लो यार, सारा पूछ लो, और जो पीछे है ना इसको ऐसे रख के काजल लगा लो, ठीक है। देखो यार, मेरा पूरा तैयार हो चुकी हूं मैं, यहाँ पे जो है इसको काजल लगा लेती हूँ। मैं पार्टी में जाने के लिए रेडी हूँ, ये मुझे नजर बहुत लगती है तो ये यहाँ पे टिका लेती हूँ। ये ब्लेंड हो चुका है, मैं कर चुकी हूँ। अब ये देखते हैं क्रॉस दिख रहा है नहीं दिख रहा, आप लोग कमेंट में बताना है दिख रहा है नहीं दिख रहा। शीशे दरवाजा, ये आ गया
ना हमारे पास शीशा, आप मैं देख रही हूँ इसको, मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। फाउंडेशन तो अच्छे से ना ब्लेंड हो चुका है, लेकिन ये जो क्रॉस वाला मार्क था ये नहीं गया। इसका मतलब ये जो है क्या ना, ये बेकार है, और शायद मेरा तो फाउंडेशन भी बेकार है। लेकिन आप ट्राई करना कि आपके फाउंडेशन के साथ होता है नहीं होता। वैसे मुझे नहीं लगता ये वर्क करता है कि मतलब आपके जो डार्क मार्क है या आपकी जो फेस पे डार्क चीज है उनको छुपा पाए। तो ये बेकार है, ये बेकार की चीज है, बेकार की हरकत है। ये अच्छा खासा दिख रहा है, एकदम मुंह पे कांटा लगा हुआ, तो बकवास बात है बस जो भी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ और भी ट्राई करूँ, कुछ और इन द सेंस कि मतलब जो जो आप बोलते रहते हो वो मैं ट्राई करती रहती हूँ, तो कमेंट कर देना, मैं कर लूंगी वो भी ट्राई। मेरी तो आदत है खतरों के खिलाड़ी। अब बाकी इसको एक बार आप पास से देख लो, ये आपको कैसा लग रहा है, आपको क्या दिख रहा है, देखो।